गुड मॉर्निंग दोस्तों, मंतोष इंडिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मॉर्निंग का समय है और मैं आया हूँ खेत पर बोझा उठाने के लिए। जी हाँ, और ये जितने हैं धान के बोझे हैं, ये सब बोझे यहाँ से उठाकर खेतों से डायरेक्ट इसको खलिहान में ले जाएंगे। खलिहान आपको पता ही होगा कि जहाँ धानों का जितने भी धान खेत से कट के रखा जाता है, वहाँ धान धान को निकालने के लिए एक स्टॉक है को बोलते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में स्टॉक बोलते हैं चीज़ों को रखना है, तो वहाँ धान के बोझों को रखे जाते हैं, उसी को खलिहान कहते हैं। और देख लीजिए सूरज भगवान कितने निकल रहे हैं, सुबह में निकल ही रहे हैं और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे पूरा का पूरा बधार खाली हो गया अभी, क्योंकि सभी में धान को काट कर गेहूं की रुपाई हुई है, गेहूं की बुनाई हुई है, बुआई हुई है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से सीधे, और सुबह के समय में यहाँ चिड़िया भी चीख रही है, चिड़िया का भी आवाज आ रहा है, चिड़िया का आवाज सुनाई देगा। और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, यहीं से गांव दिखाई देगा, यहाँ से जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये रहा गांव। थोड़ा धुंधला है क्योंकि कुहासा ज़्यादा है, फिर भी आपको जूम करके दिखा रहे हैं यहाँ से गांव, गांव दिखा रहे हैं। वो जो दिखाई दे रहा है आपको वो पानी टंकी है भाई, गांव में भी पानी टंकी बन रहा है, गांव बदल रहा है। इसलिए तो कहता हूँ कि आप लोग गांव में आए और गांव के चीज़ों के बारे में जाने समझे, क्योंकि बहुत से लोग शहर में रह रहे हैं और ग्रामीण इलाका के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी है वो ग्रामीण इलाका को समझे, जाने, अपने भारत के गांव को समझे, भारत के गांव में कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। आपको हर चीज सुंदर सुंदर दिखाई दे, कितनी दूर दूर तक कोई नहीं है, पूरा का पूरा खाली मैदान है और सभी बता पूरा पूरा खाली पूरा। इधर देख लीजिए एक नदी है और पूरा जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल। आपको पेड़ यहाँ से काफी दूर है, फिर भी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो है ये ताड़ का पेड़ है, देख रहे हैं ना, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ताड़ का पेड़ है और ये ताड़ का पेड़ है, ये सब ताड़ के हैं जो लंबे लंबे वृक्ष हैं, काफी वहाँ आम है, जामुन का है। और आपको मैं चिड़िया भी दिखा रही हूँ, ये धान के बोझे पर चिड़िया बैठी है, दिखाई दिया, देख लीजिए चिड़िया, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा जो हमको, फिर भी मैं देख कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। दोस्तों ये तीन चिड़िया है, देख लीजिए कितने सुबह में लोग अपने आपस में चिड़िया अपने मनमोहन दृश्य दिखाई दे ही रहा होगा। और इस सुबेला में तो आज का ब्लॉग इतना ही, मुझे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अभी गांव और ग्रामीण इलाका जो उसके बारे में समझे, गांव के बारे में जाने। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये सब धान के बोझे हैं, और ये धान के बोझे लोग अपने सर पे रख कर धान को बोझा को खलिहान में ले जाते हैं, और बड़ा मेहनत लगता है भाई साहब। आप सभी को
जो नहीं धान के बोझे उठाए हैं, जो खेती बाड़ी नहीं किए हैं, उनको ये दिक्कत नहीं महसूस होगा। लेकिन खेती में बिल्कुल, खेती एक हार्ड वर्क है। वैसे तो हार्ड वर्क सभी कामों में है, लेकिन खेती है जो बहुत ही हार्ड वर्क का काम है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि खेती कभी अच्छी हो जाती है, कभी बढ़िया भी हो जाता है, कभी ख़राब भी हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, खेती को करने की ज़रूरत है। और जिसके जिसके पास है खेत, वो सभी खेती करें। किसी और अच्छा लगे ब्लॉग्स को तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ग्रामीण इलाका को जानने के लिए, समझने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मंतोष इंडिया ब्लॉग्स को, ताकि मुझे उत्साह और प्रेरणा आप सभी से मिले। धन्यवाद।